हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीके गुप्ता होम्योपैथ। आज बात करूंगा मेंटल हेल्थ के बारे में। देखिए दोस्तों, ब्रेन का स्वस्थ रखने के लिए हमें तनाव ग्रस्त नहीं होना चाहिए, तनाव अधिक नहीं लेना चाहिए, गुस्सा भी अधिक नहीं करना चाहिए। और यदि किस वक्त आ भी जाता है तो ब्रेन को कंट्रोल करने के लिए लंबी सांस खींचें और फिर धीरे धीरे उसको निकालें शरीर से बाहर, सांस को नाक से बाहर निकालें धीरे धीरे, और इस प्रकार से मानसिक तनाव कम हो जाता है। और वैसे भी मेटाबॉलिक सिस्टम जो ब्रेन का है उसको ठीक करने के लिए हमारा एक ऐसे हाई माइंड है उसको ले सकते हैं, या सुबह खाली पेट आंवले का मुरब्बा चांदी का वर्क लगा के दूध के साथ ले सकते हैं, उससे भी दिमाग का स्वास्थ्य ठीक रहता है। और दोस्तों, फिर ये जो दिमाग का जो स्वास्थ्य है इसका संबंध मन से और दिल से भी है। मन को हमेशा खुश रखने की कोशिश करेंगे तो दिमाग ऑटोमेटिक ठीक रहेगा। आजकल किंतु लोग होशियार हो गए हैं, दिमाग से अधिक सोचते हैं, दिल से नहीं सोचते। दिल और मन में आत्मा का वास होता है और आत्मा में परमात्मा का वास होता है। मन कभी भी गलत हमें दिशा नहीं देगा, इसलिए मन की भी सुननी चाहिए दोस्तों, हमेशा दिमाग से ही नहीं सोचना चाहिए तो दिमाग में तनाव नहीं होगा। और दिमाग को तनाव को ठीक रखने के लिए कुछ कसरत भी कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम होता है दोस्तों, और इसमें जो है थोड़ी देर बैठकर मेडिटेशन कर सकते हैं। ओम का उच्चारण लंबे सांस को खींचकर कर सकते हैं, मतलब लंबे समय में ओम इस प्रकार से उच्चारण कर सकते हैं और मेडिटेशन कर सकते हैं, इससे मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहता है। इस प्रकार के हेल्थ टिप्स लेने के लिए दोस्तों जो है हमारी वीडियो को लाइक एंड फॉलो कीजिए।